हेलो लिसनर्स, बात करेंगे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 18 की, जो कि है आपका इमेज 16 का। इसका नाम क्या है? ओरल एपिक्स इन इंडिया बाय स्टुअर्ट एच ब्लैकबर्न। सो जितने भी एपिक हैं, ओरल एपिक्स हैं, उनकी बात करेंगे इंडिया के अंदर। और बात करें अगर अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री और लिटरेरी वर्क आर प्रिजर्व्ड बाय ओरल ट्रेडिशन, बिकॉज इन अर्लियर टाइम देयर इज़ नो रिटन फॉर्मेट। आपको पता होगा राइटिंग बहुत बाद में आई है, सबसे पहले ओरल ट्रेडिशन ही फॉलो होता था। एंड इन ओरल ट्रेडिशन इज स्प्रेड बाय वर्ड ऑफ माउथ विदाउट रिसोर्स टू राइटिंग। हाउ समबडी ट्रांसफर एनी इंफॉर्मेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन और द फॉर पीपल बाय माउथ विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज, पोइट्री एंड ऑल दैट। तो इसीलिए जो ओरल एपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Oral epics for contemporary performances, traditions of Indian epics including the Sanskrit epics. Because Sanskrit, you know that कि जो संस्कृत है उसका बर्न कहाँ हुआ है? उसका इंडिया में ही बर्न हुआ है। तो जितना ओरल ट्रेडिशन मिलता है, ये जो ओरल एपिक्स मिलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कुछ जो हैं वो संस्कृत में हैं और कुछ लोकल लैंग्वेज में मिलते हैं। ओरल एपिक्स इन इंडिया में बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द थीम्स द आर्टिकुलेट मटीरियल सच एज marital, sacrificial, romantic, rather than heroic. According to the Flicks, वो बोलते हैं freight features that typifying the Indian oral epics, narrative, nature, poetic and heroic. ये याद रखना है, नरेटिव होते हैं, नेचर होता है उनका, poetic होते हैं और heroic होते हैं। Oral epic songs are narrated poems in formula and ornamental style dealing with adventurous of people's life. बात करेंगे इसी वीडियो में हम oral and written epics की। तो epic आपको पता होगा, कोई भी एक story जो कि poetry की form में चलता है उसको बोलते हैं epic। जैसे कि महाभारत, रामायण, कैंटरबरी टेल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको हम epic बोलते हैं। Some oral epics in India have no written text because when people spread it by mouth to mouth, so written text is not available. They pass on from one generation of folk performance to the other. एक generation से दूसरे में transfer होता, किसके through transfer होता था? By storytelling, by poetry, mouth to mouth, हमेशा mouth to mouth ही transfer होता था जो oral epic था। अब बात करें परफॉर्मर्स की, तो परफॉर्मर्स ऑफ ओरल एपिक यूज़ द रिटन टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज। कैसे कैसे यूज़ करते थे? परफॉर्मेंस ऑफ द फोक ट्रेडिशन हु केम फ्रॉम द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर यूजुअली नॉन लिटरेट। यू नो दैट दिस इज़ द फैक्ट दैट एनी पीपल बिलोंग्स फ्रॉम लो सोसाइटी, लो कैटेगरी और लो कास्ट, देन डेफिनेटली शी और शी विल बी नॉट सो मच एजुकेटेड। तो उनका जो एक वे होता था वो अलग ही होता था। एंड द टेक्स्ट इज़ एन ऑथेंटिसिटी फॉर देम। सम परफॉर्मेंस मेमोराइज एंड रिपीट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। कुछ परफॉर्मेंसेस में सिर्फ रिपीटिशन किया जाता था, बट हेयर ब्लैकबर्न सेज ये इम्पॉर्टेंट है दैट एन ओरल परफॉर्मेंस इज नॉट एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ द टेक्स्ट। कि ओरल परफॉर्मेंस को नहीं, कोई डुप्लीकेट नहीं है किसी परफॉर्मेंस की। इट इज़ टेक्स्ट विच ग्रो आउट ऑफ एन ओरल ट्रेडिशन। यस डेफिनेटली, ओरल ट्रेडिशन की फॉर्म में वो चीज़ ग्रो करती है। द एपिक हीरो बिकेम अ रियल हीरो थ्रू द ओरल परफॉर्मेंसेस, एंड दिस इज़ वेरी ट्रूथ इन रियल लाइफ ऑल्सो। इफ यू सी एनी टीवी सीरियल, इफ यू सी एनी मूवी, देन द protagonist or actor actress perform the role, he or she become your real hero. Here the same thing is mentioned that the epic hero become a real hero through the oral epic. जैसे आपने अभी रिसेंटली एक मूवी आई है KGF 2, उसमें आपने मूवी देखी, बहुत सारे लोग यश को पहले नहीं जानते थे, लेकिन उस मूवी से क्या हुआ, उसको एक नई पहचान मिल गई, उसको उस रोल को प्ले करते करते वो एक रियल हीरो की तरह लोग उसको देखने लग गए, राइट? लेकिन रियलिटी क्या है? वो तो एक फिक्शन है, वो तो एक फिक्शन स्टोरी के ऊपर मूवी बनी है, कोई रियल स्टोरी तो है नहीं।
उसमें उनको स्क्रिप्ट याद करनी थी, अपने स्क्रिप्ट्स बोलने थे, डायलॉग्स बोलने थे, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने इस तरीके से यश को मूवी में देखा है, जिनका नाम रॉकी है मूवी के अंदर, आप सब अवेयर होंगे इससे, तो वो उनको एज अ रियल हीरो समझने लगे, राइट? तो मैं ये अपने पॉइंट को सिर्फ जस्टिफाई कर रही हूँ बाई गिविंग एन एग्जाम्पल. द लॉन्ग एपिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स फॉर परफॉर्मेंसेस, क्योंकि एक ही बिना सेगमेंट में डिवाइड किए परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं हो पाती थी, इसीलिए जितने भी लॉन्ग एपिक्स हैं उनको क्या करना पड़ता था, सेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था. एक एपिक है जिसका नाम है पाबूजी. पाबूजी एपिक के कितने पार्ट्स हैं? 12 एपिसोड्स हैं. और एक दूसरी एपिक है जिसका नाम है पलांडू, PALANDU, पलांडू एपिक. और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? ये भी सेगमेंटेड में डिवाइडेड, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है. आल्हा एक एपिक है जिसको बहुत सारे लारिया में डिवाइड किया गया है, बैटल्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये योद्धाओं की कहानी को प्रेजेंट करता है. द एंटायर टेक्स्ट इज रेयरली रिपीटेड इन अ परफॉर्मेंस, और कोई भी टेक्स्ट इसके अंदर रिपीटिशन नहीं होता. ओरल एपिक्स इन इंडिया सर्व्स अ मीन टू एजुकेट एंड एंटरटेन मेंबर ऑफ द सोसाइटी. बोथ द वर्क ऑफ ओरल एपिक, वन वर्क इज टू एजुकेट द पीपल एंड सेकेंड वर्क इज टू एंटरटेन द पीपल, राइट? अब बात करेंगे द इंडियन सोसाइटी रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट. अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, द स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट, कि ये जो ओरल एपिक्स हैं, ओरल और रिटन एपिक्स, इनका क्या स्ट्रक्चर है और क्या कंटेंट है, इनका टेक्स्ट क्या है, ध्यान से पढ़ना. ये जितने भी चैप्टर स्टार्ट होते हैं ये सीक्वेंस से चलते हैं, तो जैसे वीडियो पढ़ती है तो सीक्वेंस से ही आपको पढ़ाई करनी है. पहले कौन सी वीडियो पढ़ी उसको पढ़ना, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को पढ़ना है, फिर नेक्स्ट पार्ट को पढ़ना है, राइट? इट विल गोइंग टू हेल्प यू. द बुक हैज़ 12 पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इंक्लूड द स्टडीज़ ऑफ ओरल एपिक्स इन देयर सोशल परफॉर्मेंसेस एंड कॉन्टेक्चुअल. कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं. Several essays make comparative contextual while others and analyze single tradition. A shared pool of information as oral epic in India. It has 3 sections. The focus on epic and community. Next one is epic performance. And last one is relation between the folk epic and Sanskrit epic. These are the most important part. Part 2 has the synopsis of the epic stories and overview of such epic tradition. An overview of some of the epic stories को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. ओवरव्यू का मतलब होता है कि जितनी चीज़ों को यहाँ हमने शॉर्टली डिस्कस किया, जैसे कि ओरल और रिटन एपिक जो आज का हमारा टॉपिक है. जो ओरल, जो चीज़ें, जो एपिक आपका रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड रिटन एपिक. जो चीज़ें आपकी रिटन में अवेलेबल नहीं हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड ओरल एपिक. लाइक रामायण एंड महाभारत, बोथ आर प्रेजेंट इन अ रिटन फॉर्म, सो दिस बोथ आर कॉल्ड रिटन एपिक. दे बोथ आर रिटन एपिक एंड इन आर लेयर टाइम दे बोथ आर कंपोज्ड इन संस्कृत लैंग्वेज. ओरल एपिक समटाइम इंटरैक्ट विद संस्कृत इन डिफरेंट वेज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एपिक एंड रिटन एपिक. तो आपका टॉपिक ही क्या है? एपिक से रिलेटेड है कि ओरल एपिक क्या होते हैं या रिटन एपिक क्या होते हैं. और ये चैप्टर क्या है आपका? चैप्टर का नाम क्या है? ओरल एपिक्स इन इंडिया बाय स्टुअर्ड एच ब्लैकबर्न. तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं. प्रेजेंट टाइम पे जो आपका रामायण और महाभारत है वो दोनों में प्रेजेंट है. ऐसे बहुत सारे एपिक्स हैं जो ओरली हैं. जितनी एपिक्स हैं, कुछ रामायण को फॉलो करते हैं और कुछ महाभारत को फॉलो करते हैं. उन सारे एपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आला है, अनन्मार है, बोसोंग है, उसके बाद कनाडी है, ढोला है. तो ये सारे जो एपिक्स हैं इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. कनेक्ट रहिए, नोट्स बना लीजिए. सब्जेक्ट इजी है, बट विदाउट नोट इट विल गोइंग टू डिफ़िकल्ट टू यू टू रिमेंबर इन द एग्ज़ाम.
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।